आज की दूसरी फिल्म है जॉन अब्राहम की सत्यमेव जयते, जिसका निर्देशन किया है मिलाप मिलन जावेरी ने, और इसकी कहानी भी जावेरी ने ही लिखी है। इसमें जॉन अब्राहम के साथ मुख्य भूमिका में मनोज बाजपेयी और आयशा शर्मा। फिल्म का प्लॉट एक ईमानदार पुलिस अफसर पिता की मौत का बदला लेने पर है। इंस्पेक्टर शिव राठौड़ जो आत्महत्या कर लेते हैं और उनके दो पुत्र वीर यानी जॉन अब्राहम और शिवांश यानी मनोज बाजपेयी, शिवांश राठौड़ DCP हैं और वीर चित्रकार। लेकिन शिवांश अपने पिता को बेईमान मानता है और वीर ईमानदार, और वो करप्ट पुलिस ऑफिसर्स को ढूंढ ढूंढ कर मारता है। उधर शिवांश को जिम्मेदारी मिलती है पुलिस ऑफिसर्स के कातिल को पकड़ने की। अब कातिल यानी वीर पकड़ा जाता है या नहीं, शिवांश को अपने पिता की ईमानदारी पर विश्वास कायम होता है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं फिल्म की कहानी नहीं सुनाता, रिव्यू करता हूँ, पोस्टमार्टम करता हूँ। आइए देखते हैं फिल्म को मेरी नज़र से। फिल्म की कहानी और स्क्रीन प्ले दोनों ही बेहतरीन है। फिल्म का निर्देशन मिलाप मिलन जावेरी ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से किया है, बहुत ही सशक्त निर्देशन है उनका। फिल्म में जॉन अब्राहम का अभिनय भी बहुत शानदार है, उन्होंने अपने किरदार को जिया है फिल्म में। मनोज बाजपेयी के अभिनय के तो हम सभी कायल हैं, और उन्होंने कुछ नया नहीं किया है इस बार भी। अपने DCP के किरदार को क्या शानदार ढंग से निभाया है, और बाकी सभी सह कलाकारों का अभिनय भी बढ़िया है। फिल्म का संगीत साधारण है, जबकि फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर अच्छा है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी भी ठीक है। अब यदि बात करें मेरे फाइनल वर्डिक्ट की, तो सत्यमेव जयते को मेरी रेटिंग है 3/5। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक करें, ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके इनबॉक्स में आती रहे। नमस्ते।